इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम फेसबुक यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ पर आपको फेसबुक पर कुछ ऐसी फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोस वगैरह आ जाती हैं जो कि शो ही नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पर एक टिक का निशान रहता है जो कि अब जा चुका है, ज़्यादा बार मैंने इसको यूज़ कर लिया है, और आप नीचे आएंगे तो नीचे भी आपको इसी तरीके के मिल जाएंगे। तो अब इस एरर को हम सोल्व कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे ठीक होगा, क्या प्रोसेस लगेगा इसके लिए, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ी सी नीचे जाना होगा। मोबाइल डिफरेंट हो सकता है, आपका भी मेरा भी, तो सेटिंग्स ज़रा ध्यान से देखिएगा, बाद में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आपको स्टोरेज ऐप में जाना होगा। यहाँ पर आपके पास मैनेजर भी हो सकता है, ऐप मैनेजर, एप्लीकेशन मैनेजमेंट भी हो सकता है। तो डिफरेंट मोबाइल में डिफरेंट कैटेगरी के नेम रहते हैं, लेकिन आपको फीचर एक ही मिलेगी उसके अंदर, एप्लीकेशंस ही मिलेंगी। तो इसको खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पर आपको फेसबुक को ढूंढ लेना। तो मैं आराम से इसको ढूंढ लेता हूँ। तो ये रहा हमारा फेसबुक, इसको खोल लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया, आपके पास कोई और सा फ़ोन हो सकता है, मेरे पास रेडमी नोट 5 प्रो है, तो थोड़ी बहुत सेटिंग्स जो है डिफरेंट हो सकती है। बस आपको ध्यान देना है कि मैं कहाँ कहाँ पर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको जाना है रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज पर। ये रहा रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज, इसको खोल लेना है। और यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज की सारी सर्विस को अलाउ करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप सीधा डायरेक्टली आपको फेसबुक पर जाना है। तो यहाँ पर ये घूमने लग गए और जो इमेज नहीं आ रही थी वो आ चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं हर इमेज आने लग गई है। तो ये प्रोसेस होता है। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।